वेलकम टू ट्रू शेयर बाजार दोस्तों। फिर से एक धमाकेदार स्टॉक के साथ एक धमाकेदार वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल को चेक करेंगे कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इससे हम फ्यूचर का भी अनुमान लगा सकते हैं। फिर इसके बाद इसके बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके शेयर प्राइस के जो टारगेट्स है कि फ्यूचर में क्या टारगेट्स ये कंपनी दे सकती है या हो सकते हैं इनके टारगेट्स। ये ब्रोकरेज फर्म है यानी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो रिसर्च वगैरह करती है, ब्रोकिंग फर्म है, उनके टारगेट्स को हम जानेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर निवेश करना है तो किस प्राइस पर करना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त उसके लास्ट के 6 से 1 साल यानी लास्ट के 1 ईयर का आपको प्रॉफिट और सेल्स कंपनी ने कितना किया है या फिर यह लॉस मेकिंग कंपनी है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कंपनी के लास्ट का 1 ईयर का रिजल्ट देखेंगे तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो आपको ये डेटा बहुत ही ज़रूरी होता है देखना। अब बात करेंगे, ये क्वार्टर बाई क्वार्टर का रिजल्ट है। कंपनी ने सेप्टेम्बर 2021 में 4,100 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था, जो कि हर 3 महीने के अंदर बढ़ते हुए 6,000 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स हो चुका है। और ये जो प्रेजेंटेशन है इसे आसानी से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी आजकल इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना सभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली इसके अंदर कलर वगैरह सब कुछ दिया है ताकि वो समझ सके कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है या किस तरीके से काम कर रही है। तो वो लोग ये जो हाइट है इसकी, ब्लू लाइन की ये जो कैंडल है, इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले कंपनी का 4,100 करोड़ का सेल्स था, जो कि हर बार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने जो है कैंडल को हर एक क्वार्टर से बड़ा बनाया है। इससे ज़्यादा इस क्वार्टर में इन्होंने सेल्स किया तो मैंने इस कैंडल को बड़ा बनाया। इसी तरीके से कंपनी ने हर 3 महीने में अपने सेल्स को बढ़ाया है और प्रॉफिट यानी इनके अंदर कितना मुनाफा कंपनी ने किया है, तो आप देख सकते हैं 111 करोड़ का इनका प्रॉफिट था 2021 के अंदर, जो अगले क्वार्टर में दिसंबर 2021 में बढ़ के 290 करोड़ हुआ। तो इसी तरीके से हर एक क्वार्टर के अंदर यानी हर 3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते अब दिसंबर 2022 में 637 करोड़ हो चुका है। यानी हर 3 महीने में कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा रही है और प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है। ये इस कंपनी की क्वालिटी है। इसका मैनेजमेंट लास्ट के 2 ईयर्स से बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए मार्केट के जितने भी एनालिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे इसके ऊपर जो है काफ़ी फोकस बना के बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कंपनी है, आने वाले टाइम में ये HDFC बैंक जैसे मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। अगर ये कंपनी लॉस मेकिंग होती तो मैं ये जो ये प्रॉफिट है इनको मैं रेड कलर से डिनोट करता, यानी जो रेड कलर है, लाल कलर, वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि कंपनी लॉस कर रही है तो रेड कलर होता है। तो चलिए आगे बात करेंगे। ये 4 साल के मैंने रिजल्ट लिया है कि एक एक साल का ये डेटा है, तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर कंपनी ने 16,000 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि अगले साल इनकी थोड़ी सेल्स गिरी 2021 में, फिर ये 2022 में 17,000 करोड़ हुई और अब लास्ट में 20,857 करोड़ के आसपास की सेल्स हो चुकी है। यानी अगर इस ईयर को हम छोड़ दें तो इसके बाद 2021-22 के बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू 3 साल से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। अब प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 2020 में कंपनी ने 2800 करोड़ के आसपास का लॉस किया था, जो कि ये लॉस रिकवर करके 483 करोड़ का अगले साल इन्होंने प्रॉफिट किया, फिर 132 करोड़ के इनको प्रॉफिट हुआ है और अब जो है 2021 करोड़ के इनको TTM में प्रॉफिट हुआ है। यानी कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है और 2000 करोड़ के काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट हो चुके हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग हिस्ट्री की, तो 2017 में कंपनी ने 8,500 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था, जो कि बढ़कर 20,857 करोड़ हो चुका है, यानी 2.5 गुना लगभग इनका सेल्स बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,000 करोड़ के आसपास के जो प्रॉफिट थे 2017 में, वो बढ़ करके 2021 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, लगभग 2 गुना इनके प्रॉफिट भी बढ़े हैं। कंपनी के ऊपर यानी बैंक के ऊपर दोस्तों 90,000 करोड़ का कर्ज था 2017 में, जो कि बढ़ करके 1,58,000 करोड़ के आसपास का कर्ज हो चुका है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए 2 पॉइंट है। एक तो यह है कि जो बैंक है ये क्या करता है, गवर्नमेंट यानी RBI से लोन लेते हैं, ये खुद लोन लेते हैं और फिर मार्केट के अंदर बांटते हैं, इसीलिए सभी बैंकों के ऊपर लगभग कर्जा बना ही रहता है। लेकिन एक और गुड पॉइंट ये है दोस्तों
कि कंपनी के पास इनके कर्जे से ज्यादा इनके पास टोटल एसेट्स है जो कि 1,90,000 करोड़ है। आप देख सकते हैं 1,58 का कर्ज है और 1,90 के इनके पास टोटल एसेट्स है, यानी कर्जे से ज्यादा है। तो कंपनी को आप डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त मान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है पैसा कहाँ से आता है, ये खुद RBI से लोन लेते हैं, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करेंगे रिजर्व की, तो पहले 11,000 करोड़ के आसपास के टोटल रिजर्व थे जो कि बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ यानी 14,864 करोड़ के इनको रिजर्व बन चुके हैं, यानी इनके रिजर्व भी बढ़े हैं। कंपनी का पहले मार्केट के अंदर 50,000 करोड़ का निवेश था जो कि आपको देख रहा है गिरावट आई है, इसके अंदर लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की गिरावट है, 46,000 करोड़ के आसपास का निवेश रह चुका है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर इनका निवेश बढ़ता है तो और ज़्यादा बेस्ट, लेकिन दोस्तों अगर इनका निवेश नहीं बढ़ता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनके तो एसेट्स में कोई कमी नहीं आई है। ये एक अल्टरनेट पॉइंट है एक्सटर्नल, जो कि अगर ये बढ़ता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा और बेटर होता है। अब बात करेंगे बुक वैल्यू की, तो लगभग 33.90 रुपये यानी 34 रुपये के आसपास का बुक वैल्यू है, और जो करंट शेयर प्राइस है वो लगभग 57 रुपये के आसपास चल रहा है। ROCE लगभग 4% है, ROE 0.70%, प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया है। आपने देखा है मैंने लास्ट के 6 क्वार्टर का आपको रिजल्ट चेक कराया जिसमें हर क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा है, इसी वजह से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 2,532 करोड़ के आसपास है और सेल्स ग्रोथ भी 25% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे पहले 36.47% थी, जो थोड़ा सा देख सकते हैं माइनर से चेंजेस आया, 36.38% की अभी प्रमोटर के पास होल्डिंग है। पहले FIS के पास 19.28% की होल्डिंग थी, अब इन्होंने FIS ने थोड़ी होल्डिंग को बढ़ाया है, 19.76% की हिस्सेदारी हो गई है, यानी कुछ माइनर से आपको चेंजेस दिखाई देगा, पहले 0.28 थी अब 0.76 है। वहीं DIS ने कम किया है, 9.83% की हिस्सेदारी थी अब 9.61% की हिस्सेदारी है, यानी थोड़ा सा DIS यानी इंडियन जो इन्वेस्टर है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। गवर्नमेंट के पास पहले 4.23 की हिस्सेदारी थी अब 4.22% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 30% के आसपास की हिस्सेदारी बनी हुई है, यानी इनके प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, जिसमें आपको FIS और DIS का काफ़ी और गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका अगर इसके अंदर भरोसा है यानी कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा तभी इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो हमें यह एक भरोसा देखने को मिल रहा है इसके अंदर। अब बात करेंगे शेयर प्राइस के टारगेट्स की, तो दोस्तों मैंने तो सिर्फ 2 कंपनी के ही टारगेट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म है जो इसको रेटिंग्स दे रही है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसे 64 रुपये का टारगेट दिया है और IIFL सिक्योरिटीज़ के जो डायरेक्टर है संजीव भसीन जी, उन सर ने इन्हें 61 रुपये का टारगेट दिया है, सेकंड टारगेट 85 का और थर्ड टारगेट 150 रुपये का दिया है। वो काफ़ी बुलिश है इस बैंक को लेकर के। ये जो सोर्स है यानी मैंने कहाँ से ये जानकारी जुटाई है, तो आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस टुडे इन पेपर से मैंने लिए, आप भी गूगल करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कंपनी के बिजनेस की, कंपनी यानी बैंक करता क्या है, तो सभी लोग जानते हैं जितने भी बैंक है उनका काम क्या है, तो बैंकों का काम लोन प्रोवाइड करना है और इसके अलावा इनकी छोटी मोटी सर्विसेज और भी है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ETC। अब बात करेंगे कंपनी का जो पहला नाम था वो था एस्टोवाइल IDFC बैंक और एक था एस्टोवाइल कैपिटल फर्स्ट, तो इन दोनों का मर्जर हुआ। इन दोनों का मर्जर होने के बाद कंपनी का नाम IDFC फर्स्ट बैंक रखा गया, जो कि 2018 को इनका मर्जर हुआ था। ये कंपनी की वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है IDFCfirstbank.com, आप इसे विजिट कराए। आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट करें और टोटल आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, दोस्तों अगर कोई मुझे पूछे कि सर आप क्या करोगे, तो मैं ज़्यादा बेटर है अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि इसके अंदर मैं बिल्कुल अभी 57 रुपये का करंट शेयर प्राइस चल रहा है तो 55-56 रुपये के आसपास बिल्कुल फ्रेश बाइंग करना चाहूँगा, और अगर मेरे पास पहले से स्टॉक होल्डिंग में होंगे तो मैं और भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो वीडियो था ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है, अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, खुद की एनालिसिस करें और खुद के डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक